हेलो दोस्तों, मेरा नाम मकसूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चेकी हेल्प टिप्स। बहुत सारी वीडियोस मैं जूम एप्लीकेशन से रिलेटेड बना चुका हूं, और अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके आप मेरी प्लेलिस्ट में जूम एप्लीकेशन की, वहां पे वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जूम एप्लीकेशन में जब हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं या एज अ होस्ट या एज अ पार्टिसिपेंट, किस तरीके से अपनी मीटिंग को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं विद ऑडियो। तो मैंने वो भी आपको बताया था कि किस तरीके से आप ऑडियो के साथ साथ अपनी मीटिंग को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसमें ऑडियो भी आपको सुनाई पड़ेगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके जो मीटिंग है उसको रिकॉर्ड करेंगे, वो भी आप देख सकते हैं। अब मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जूम एप्लीकेशन की मीटिंग को सिर्फ और सिर्फ ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब आपने जूम मीटिंग को ज्वाइन किया है या फिर एज अ होस्ट आप हैं, आपने जूम मीटिंग को इनिशिएट किया है, जूम मीटिंग के रिक्वेस्ट को इनिशिएट किया है और आप ही चाहते हैं कि उसका ऑडियो आप रिकॉर्ड कर पाएं ताकि आप दूसरों को भी सेंड कर पाएं। एक हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने मुझे ये कमेंट बॉक्स में पूछा है कि हम किस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन पे जूम एप्लीकेशन पे अगर कोई मीटिंग स्टार्ट है तो हम उसका ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करें। तो आइए सबसे पहले हम जूम एप्लीकेशन पे लॉगिन कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। अब उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कौन सा है जिससे आप ऑडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे। एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोगों ने ये भी सवाल पूछा है कि क्या हम कॉल रिकॉर्डर से ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो इसको तो मैंने नहीं चेक किया है। अगर आप चेक करिए, अगर उससे रिकॉर्ड होता है तो उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक रिकॉर्ड किया है ऑडियो रिकॉर्डर के नाम से एक एप्लीकेशन। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे, प्ले स्टोर पे आपको जाना है, प्ले स्टोर पे, और डाउनलोड करना है ऑडियो रिकॉर्डर हाई क्वालिटी वॉइस रिकॉर्डिंग। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूंगा, तो आप वहां से भी जाके डाउनलोड करना चाहेंगे तो कर लेंगे, और आप अगर अभी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे जाके मेरे लिंक को देख सकते हैं और वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहां पे आप देखिए सबसे पहली चीज कि मैंने क्या किया, अब इसको कर दिया स्टार्ट। आप देख सकते हैं कि ये फ्रंट एंड है इसका, यहाँ पे ये खुल गया। इस पे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्या, रिकॉर्ड एप्लीकेशन का। अगर मैं रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि ये रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से जो मीटिंग को स्टार्ट करेंगे वो मीटिंग स्टार्ट करने के बाद क्या इसमें सच में रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा। इसको मिनिमाइज भी आसानी के साथ आप कर देंगे, ऐसा नहीं है कि ये बंद हो गया है, ये बैकग्राउंड में इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है। जूम एप्लीकेशन पर मैं आता हूँ और मीटिंग को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर अपने वेबकैम को मैं ऑफ कर देता हूँ और स्टार्ट मीटिंग को मैंने स्टार्ट किया। कनेक्टिंग यहाँ पर दिखा रहा है, जल्दी ही आपके सामने कनेक्ट होके आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेकी हेल्प का मेरा लोगो दिख रहा है और यहाँ पे मीटिंग हो चुकी है स्टार्ट। आप देख सकते हैं अगर मैं जूम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो सारी लिस्ट दिख जाएगी जो कि दिखनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मीटिंग आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, पार्टिसिपेंट आईडी क्या है, वो सारी चीज़ें दिख जा रही है। अगर मैं यहाँ पे किसी को इन्वाइट करना चाहता हूँ तो इन्वाइट भी कर सकता हूँ। मेरी इस वक्त मीटिंग स्टार्ट है और मीटिंग चल रही है, और इस वक्त बैकग्राउंड में मेरे ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है। जो भी ऑडियो मैं इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं उसको लास्ट में आपको सुनाऊँगा भी कि क्या सच में जो मैं इस वक्त बोल रहा हूँ या फिर जो मैं जूम एप्लीकेशन में मीटिंग स्टार्ट करके जो भी चीज़ कर रहा हूँ क्या सच में वो रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में सुनाऊंगा ऑडियो। ये है सिंपल तरीका। इस तरीके से आप जूम एप्लीकेशन की जो मीटिंग आपने स्टार्ट किया है या आपने एज अ पार्टिसिपेंट ज्वाइन किया या एज अ होस्ट आप इसको इनिशिएट कर रहे हैं रिक्वेस्ट को, अगर आप चाहते हैं जूम मीटिंग की ऑडियो को रिकॉर्ड करना तो आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू, जैसे कि मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐसे ही आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि जो मैंने ऑडियो रिकॉर्ड किया है क्या वो सच में रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई है। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको सेव कैसे करना है। आपको आना है यहां पे अपने ऑडियो एप्लीकेशन पे, और आप यहां पे देखेंगे कि आपको रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। जैसे आप रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं आप देखते हैं कि यहाँ पे आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही है, ऐसा नहीं है कि आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप हुई है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉज क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ तक रिकॉर्ड आपकी ऑडियो हो चुकी है। अब मैं करता हूँ सेव, सेव पे क्लिक करता हूँ, ये होगी मेरी ऑडियो सेव। तो ये है सिंपल और आसान तरीका, इस तरीके से आप अपने ऑडियो को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट ड्यूरेशन जो है मेरा 1:47 की जो है जो ऑडियो है वो रिकॉर्ड हो चुकी है। इसका अगर आपको लोकेशन देखना है, सेटिंग पे आइए और आप क्या पाथ देख सकते हैं कि इस पाथ पे जाके ये रिकॉर्डिंग सेव हो रही है। तो आइए अब देख लेते हैं कि ये जो रिकॉर्डिंग है जो मैंने जूम एप्लीकेशन पे एज अ होस्ट अपनी मीटिंग को स्टार्ट किया था, क्या सच में वो मीटिंग रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई है। यहाँ पे अपने वेबकैम को मैं ऑफ कर देता हूँ और स्टार्ट मीटिंग को मैंने स्टार्ट किया। कनेक्टिंग यहाँ पे दिखा रहा है, जल्दी ही आपके सामने कनेक्ट होके आ जाएगा।
आप देख सकते हैं यहाँ पे टेकी हेल्प टिप्स का मेरा लोगो दिख रहा है और यहाँ पे मीटिंग हो चुकी है स्टार्ट। आप देख सकते हैं अगर मैं जूम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो सारी लिस्ट दिख जाएगी जो कि दिखनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मीटिंग आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, पार्टिसिपेंट आईडी क्या है, वो सारी चीज़ें दिख जा रही है। अगर मैं यहाँ पे किसी को इन्वाइट करना चाहता हूँ तो इन्वाइट भी कर सकता हूँ। मेरी इस वक्त मीटिंग स्टार्ट है और मीटिंग चल रही है और इस वक्त बैकग्राउंड हो रही है या नहीं हो रही है वो भी मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में सुनाऊंगा ऑडियो। देखा आप दोस्तों आप लोगों ने कि ये किस तरीके से आप अपनी ऑडियो को, इस जूम मीटिंग की ऑडियो को ऐसे आसानी के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी यूज़ करना चाहते हैं, इसके अलावा अगर वो वर्क करता है तो आप उसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ऑलवेज बैकग्राउंड में चलता रहता है और जैसे ही आप रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं ये आपको आपके सामने रिफ्लेक्ट हो जाता है और रिकॉर्डिंग चलती ही रहती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और अगर आप मेरे एक नए व्यूअर हैं, अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें मेरे वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों को जो लोग चाहते हैं जूम एप्लीकेशन पर जो भी मीटिंग स्टार्ट है उसकी ऑडियो को रिकॉर्ड करना।